नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। वहीं रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय देने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। हालांकि अदालत ने ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और समय देने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत ने ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ASI की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि ASI के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश महंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबियत बिगड़ गई, जिसके कारण वे अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम एक सप्ताह बाद की कोई तिथि तय करना न्यायसंगत होगा, जिस पर जिला जज ने 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। बता दें, वजूखाना जहां शिवलिंग मिला उस सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच का प्रार्थना पत्र मंदिर पक्ष की ओर से बीते 16 मई को जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। एक तरफ जहां ये सर्वे 11 दिसंबर को होना था, पर अचानक ASI के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश महंती की ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबियत बिगड़ गई, जिस कारण से अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ है, जिस पर जिला जज ने 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब देखना यह है कि 18 दिसंबर को होने वाले इस सर्वे का क्या फैसला आता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।